अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जनाब, आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ के बर्गर्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने बीफ के जो शामी कबाब है वो रेडी करके पहले से ही रखे हुए हैं। अब मैं सैलड बनाऊँगी जो कि यूज़ होगा इसमें। उसमें मैंने कैबेज, कैरेट एंड क्यूकम्बर को पहले से ही चॉप्ड किया और उसमें मैंने मायोनीज ऐड की। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि बंस जो हैं उनको तवे पे रख के थोड़ी सी हीट दे लें आप भी। मैंने इसको हीट दे लिया पहले से ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बने। तो अब मैं इसको रेडी करूँगी। सो, अब मैं इस पे पहले केचप से कोट करूँगी और उसके बाद अच्छे से इसे ऊपर लगाऊँगी। तो आपको ये आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मिलने वाली है, तो आप सब इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आप बाहर के बर्गर्स को भूल जाएंगे। उसके बाद रेडी किया हुआ सैलेड मैं इसमें लगाऊंगी। एक एक करके मैं तीनों बर्गर्स पे ये सैलेड लगाऊंगी। तो वीडियो को सब प्लीज़ फुल वॉच किया करें, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आप देख सकते हैं कि मैं अच्छे से सैलेड इस पर अब लगा चुकी हूँ। उसके बाद जी मैं इस पर टिक्की रख रही हूँ। तो ऑलमोस्ट ये रेडी हो ही गए हैं। उसके बाद बंस की जो ऊपर वाली तह होती है उस पर भी मैं एक बार केचप लगा लूँगी, टोमेटो केचप अच्छे से, ताकि ये और डिलीशियस एंड क्रिस्पी लगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बर्गर रेडी हो गए हैं। तो साथ में बनाए फ्रेंच फ्राइज एंड इन्जॉय करें जी डिलीशियस से बर्गर्स, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।